हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जैसा कि जो लोग जुड़े हुए हैं चैनल के साथ में वो लोग जानते ही हैं, इन दिनों हम पर्ल 1024B कंट्रोलर के साथ में पर्सनैलिटी फाइल्स बना रहे हैं। तो आज हम बाइसन की शार्पी की पर्सनैलिटी फाइल बनाने वाले हैं। ये हमारे पास में जो यूज़र मैनुअल है, पहले वाला एक था, आप देख सकते हैं। आज ये वाले चैनल के अकॉर्डिंग हम जो फाइल है वो बनाने वाले हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम शुरू करेंगे। एक बात यहाँ मैं आपको बता दूँ, ये जो पेन टिल्ट वाली जो सेटिंग है आपकी वाली शार्पी में आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास में एक नंबर पे पेन, दो नंबर पे टिल्ट है। आपके पास में एक नंबर पे पेन, दो नंबर पे पेन फाइन, तीन नंबर पे टिल्ट और चार नंबर पे टिल्ट फाइन, ऐसा हो सकता है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग जो है वो फाइल क्रिएट करिए कीजिएगा। हमारे पास में जो यूज़र मैनुअल अभी सामने है, हम उसके अकॉर्डिंग बना करके आपको दिखा रहे हैं। तो आप जब फाइल बनाएंगे तो यूज़र मैनुअल अपने साथ में रखिएगा, या लाइट के बारे में आपको उसके जो चैनल की कॉन्फ़िगरेशन है उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो अभी हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेटअप बटन प्रेस करेंगे। सॉफ्ट की डी, पर्सनालिटी मैनेज, फिर सॉफ्ट की ई, और उसके बाद में सबसे पहला पहला क्रिएट पर्सनालिटी। वही सेम प्रोसीजर रहेगा, व्हील वी का यूज़ करते हुए हम नाम डालते हैं। आज हम बाइसन की शार्पी के लिए फाइल बना रहे हैं, तो यहाँ हम बाइसन लिख रहे हैं। आप अपनी शार्पी का ब्रांड नेम या मॉडल जो भी चाहें वो लिख सकते हैं, व्हील वी को यूज़ करते हुए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बाइसन। यहाँ से एंटर करेंगे नेक्स्ट के लिए। चैनल नंबर यहाँ डालना है। बाइसन की शार्पी में दो ऑप्शन रहते हैं, एक 16 चैनल और एक 20 चैनल वाला। तो हम जो 16 चैनल वाली कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग आज ये जो फाइल है वो बनाने जा रहे हैं। अब ये चैनल लिस्ट आ गई है हमारे पास में। यहाँ एक नंबर पे पेन है, पहला हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद में हमने यहाँ पे पेन ले लिया है। दो नंबर पे हमारे पास में टिल्ट है, सॉरी दो नंबर पे टिल्ट लेंगे, 3/8 टिल्ट। तीन नंबर हमारे पास में वो पेन फाइन के लिए है, चार नंबर जो है वो टिल्ट का फाइन चैनल है। तो ये 1 2 3 4 हमने यहाँ असाइन कर लिए हैं। उसके बाद में जो पांचवा चैनल है वो पेन टिल्ट की स्पीड के लिए है, उसको हम स्पीड वाले ऑप्शन में ही डाल देते हैं, 8A स्पीड में। फिर आएगा छः नंबर, छः नंबर हमारे पास में ऑटोमाइजेशन, इसको हम फंक्शन के अंदर डाल देते हैं, 7A फंक्शन। नाम चेंज करना चाहें तो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, दोबारा से सेलेक्ट करके चेंज एट्रीब्यूट टाइप में जाएंगे तो नाम चेंज कर सकते हैं हम। वीडियो लेंथी हो जाता है इसलिए वो हम आज नहीं करके दिखा रहे हैं। 7 चैनल है वो हमारे पास में है स्ट्रॉब के लिए, स्ट्रॉब रहता है हमारा आयरिस या शटर के अंदर। 8 नंबर हमारे पास में डिमर है, 1A डिमर कर दिया। 9 नंबर जो चैनल है वो कलर के लिए है, कलर 1 कर दिया इसको हमने। और 10th नंबर जो है वो गोबो के लिए, गोबो 1 असाइन कर दिया है। 11 जो चैनल है वो है इसके अंदर डार्क मोमेंट नाम से, तो इसको हमने गोबोमन रोटेशन में डाल दिया है। 12 है पेन टिल्ट ऑटो रनिंग, इसको भी हम फंक्शन के अंदर जो 7B है उसके अंदर डाल दे रहे हैं। नेक्स्ट जो 13 है हमारे पास में वो है फोकस के लिए, फोकस को हम रखते हैं जूम या फोकस वाले में। 14 नंबर हमारे पास में आ जाता है प्रिज्म के लिए,
इसको हम जूम में डाल रहे हैं, लेकिन ये हमारे पास में प्रिज्म है, इसलिए हम इसको दोबारा से सेलेक्ट करके चेंज एट्रीब्यूट टाइप में जाएंगे। यहाँ हमारे पास में प्रिज्म वन, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अभी 15 नंबर जो है हमारे पास में वो प्रिज्म को रोटेशन के लिए है। एट बी जो है वो हमने पहले यूज़ नहीं किया, इसलिए हम इसको 8B में डाल रहे हैं। और यहाँ से हम एट्रीब्यूट टाइप में प्रिज्म वन रोटेशन ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास में 16, ये लैंप ऑन ऑफ के लिए या रीसेट के लिए काम करता है। आपके पास में जो मैनुअल हो आप उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर लीजिएगा। अभी हम ये जो है ऑप्शन जो है 1 से 8 तक हमारे पास में ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इसको हम सेकंड वाला पेज यूज़ कर रहे हैं। इस ऑप्शन के लिए हम ये जो गोबा ऑब्लिक फंक्शन है इसको इसके अंदर डाल रहे हैं 15A में। अभी इसको सेलेक्ट करके चेंज एट्रीब्यूट टाइप करेंगे, तो इसको हमने यहाँ से लैंप कंट्रोल ऑप्शन जो है वो यूज़ कर लिया। आप देख सकते हैं ये 15A लैंप कंट्रोल। फिर से एंटर करेंगे, देन एंटर अगेन, और ये आप देख सकते हैं 10 नंबर पे हमारे पास में बाइसन ये फाइल इस तरह से क्रिएट हो गई है। आपके पास में जो आपकी लाइट का यूज़र मैनुअल है आप उसके अकॉर्डिंग लाइट को क्रिएट कीजिए, उसकी पर्सनैलिटी फाइल को, फिर पैच कीजिए और चला करके देखिए। अगर आपको उसमें कोई समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसका समाधान ज़रूर किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।